माननीय सभापति महोदय, राम गोपाल मंदिर का 15-18 डीसी रह गए होंगे, अगर इसका प्रॉपर ऑडिट कर ले, राम गोपाल मंदिर इन डमटाल, मैं कहता हूं 9 होटल, माननीय विधायक महोदय बैठे हैं, 8-9 होटल इसकी जमीन पे बने, 6 करेसर हैं और 15 करोड़ रुपए की क्योंकि रिपोर्ट आई है ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं लोकल फंड कमेटी की रिपोर्ट है, जिलाधीश की रिपोर्ट है, 15 करोड़ रुपए की एफडी है, लगभग राम गोपाल टेम्पल पे तो कमेटी बनी चाहिए, लगभग कोई 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 60 करोड़ रुपए की, ये तो मैं ऐसा नहीं है, पिछली सरकार की ध्यान में भी आया नहीं, तो 4 रुपए लेते थे वो क्रेशर वाले से, वो पुराना था ना, कोई ध्यान में आया, बड़ी मुश्किल से अब कोई 40-50 हजार रुपया किया, मैं माननीय उद्योग मंत्री से जाऊंगा, थोड़े से पैसे बने हैं, 6 करेसर हैं इस राम गोपाल उसके नाम पे, वो लीज अपना मंदिर कमेटी थी, लोकल फंड का कोई कंट्रोल नहीं था, उन्होंने आगे दे दिए, तो राम गोपाल मंदिर जो हमारा इंदौरा के अंदर है, ये लोकल फंड कमेटी की जो बैठक हुई, 6 करेसर 14 होटल और पूरा, मैं कहता हूँ एक बाजार ही जो है वो राम गोपाल मंदिर पे है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे जो है, इस पे भी जो है जरूर आप जहाँ मंदिरों के और जहाँ स्टूडेंट फंड पे ये बात रखी है, मत हमारे खासकर मैं कहूँगा आदरणीय संजय रतन जी ने, क्योंकि विश्वविद्यालय में कहा, विश्वविद्यालय और तो और कमेटियों को सीरियस नहीं लेते हैं, यहाँ से मैं आपको बताऊँ, आप भी पीएससी के जब सभापति के बैठे हैं, पीएससी रेफरेंस करूँगा, पीएससी के चेयरमैन है, जब कोई पैरा भेजते हैं इनकी सूचना एकत्रित हो रही है, सूचना एकत्रित करते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ पता नहीं, मैं तो हम तो कहते हैं कि हम इस वक्त के जो पीएससी के मेंबर हैं वो सारे जो पिछले जो लोग मर गए उनके पैरे सेटल कर रहे हैं, नाम आता कई बार वो सदस्य है नहीं और उसके पैरे सेटल कर रहे हैं, तो अपडेट मैं चाहता हूं कि ये जो और खासकर एडीज को, जो पीएससी हो, लोकल फंड कमेटी हो, विधानसभा की कोई भी कमेटी हो, उसको जो है वो सीरियस लेना चाहिए, तो मैं इस पर चाहता हूं कि ये जो बातें मैंने रखी हैं इस पर जब जवाब आएगा, इस पैसा, क्योंकि ये ना उधर का पैसा है ना इधर का पैसा है, हिमाचल की जनता का पैसा है, और ये जो फॉरेन विजिट मैं इस पर आऊँगा, एक मैंने रखा है, और खासकर एक मैंने गाड़ियों पे भी जवाब मांगा था, मैं उसको भी, उस पर भी मैं इस लोकल फंड के साथ जोड़ सकता हूँ, जो आपने जो है पुडा से गाड़ी खरीदी, कोई उसका हो नहीं, टेम्पल से गाड़ी खरीदी, 4-4 गाड़ियाँ हैं, मेरे पे जवाब आया, कुछ एक गाड़ियों का तो ऐसे जवाब आया, मैं कहता हूँ कि 200-250 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा है, तो मैं चाहूँगा माननीय पार्लियामेंट्री मिनिस्टर कि जब एमएलए इंस्टीट्यूशन है, हाँ नहीं एमएलए इंस्टीट्यूशन है, और मेरा ये जो गाड़ियों का जवाब आया है एक एक, मैं और मैं चाहता हूँ सदन के नेता भी यहाँ हैं सभापति महोदय, कि मैं इस पर ज़्यादा विस्तार पे नहीं जाना चाहता हूँ, 15-15, 18-18 गाड़ियाँ जो है टेम्पल पे, पुडा की गाड़ी जो है वहाँ, लेकिन दुख ये होता है जब एमएलए डीसी ऑफिस जाता है, जो मैंने बात रखी है उसका कार्यालय, एमएलए कहीं जाता है, अगर वो कहीं डीसी को गलती से फोन कर दे, तो देर इज नो प्रोविजन एमएलए के लिए, नो प्रोविजन, जब जवाब आता है तो पुडा की गाड़ी कौन, मतलब एक ही डिप्टी कमिश्नर 6-6 गाड़ियाँ कैसे यूज कर रहा है, पुडा की गाड़ी उसके पास, टेम्पल की गाड़ी उसके पास, जो वहाँ अगर कोई बड़ा मेला है उसकी गाड़ी भी है उसके पास, मैं अपने रेफरेंस के साथ दूंगा, अगर कोई 66 विधायकों में से बाई चांस कोई फंस जाए तो सीधा आया देर इज नो प्रोविजन, भाई एमएलए के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, बाकी उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी चाहे उत्तराखंड का आ जाए, मैं दूंगा, मैं एयरपोर्ट के साथ रहता हूँ, मैं रहता हूँ एयरपोर्ट के साथ, मैं रेफरेंस कर सकता हूँ, चीफ सेक्रेटरी आसाम का आया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेलंगाना का आया, उसके लिए फोटो भी है, मैं एयरपोर्ट पे रहता हूँ, उसके लिए जनाब एमएलए के लिए खड़ा होगा एसडीएम, उसके लिए एसडीएम भी आया, किस कानून के अंतर्गत आया, उसके लिए टेम्पल कमेटी की गाड़ी किसकी, किस कानून के अंतर्गत लगी, तो ये जो मैं कहता हूँ व्यवहारिक ये चीजें, ये कहीं ना कहीं संवैधानिक इंस्टीट्यूशन किसी चीजें हैं, तो ये जो लोकल फंड है, लोकल फंड का जो सदुपयोग है वो उस तरीके से होना चाहिए, राम गोपाल टेम्पल की मैं कहता हूँ विस्तृत से, क्योंकि ये 50-60 करोड़ रुपये का मामला है, इसकी जो है प्रॉपर जो है ये होनी चाहिए, माननीय सभापति महोदय आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।